चावल उबालने के बाद उसके पानी को हरगिज मत फेंकें, बल्कि हमारे ये चंद घरेलू टोटके इस्तेमाल करें तो आपको हर माह हजारों रुपए बच सकते हैं। तमाम लोग बिलखसूस खवातीन की ख्वाहिश होती है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां, छाइयां और कील महज से पैदा ना हो, और इस मकसद के लिए क्रीमों पर हर माह हजारों रुपए भी लगाती हैं। लेकिन अगर आप चावलों के पानी का इस्तेमाल करें तो आप इन मस्नूई क्रीमों से बच सकते हैं। चावलों को 20 मिनट हल्की आंच पर उबालने के बाद उसका पानी फेंकने की बजाय उसे बोतल में रखें। आइए आपको इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल बताते हैं। अगर आप अपनी जिल्द को तरोताजा रखना चाहते हैं तो इस पर चावलों का पानी लगाएं। इसकी वजह से जिल्द पर मौजूद मुर्दा खुलिये खत्म होंगे और साथ ही नई जिल्द पैदा होगी। चेहरा धोने के बाद रोई के गाले पर चावलों का पानी लगाएं और उसे चेहरे पर मसाज करें। अगर जिल्द पर कील मुहासे बनने लगे तो इस पर चावलों का पानी लगाने से जल्द ठीक हो जाएंगे और आप बगैर कोई क्रीम लगाए कील मुहासों से निजात पा लेंगे। सर धोने के लिए कोई कंडीशनर इस्तेमाल करने की बजाय बालों को चावलों के पानी से धोएं और कुछ देर इंतजार के बाद नीम गर्म पानी से बाल धोएं। इस टोटके पर अमल करने की वजह से न सिर्फ बाल नरम और मुलायम होंगे बल्कि उसे हफ्ते में 3 बार दोहराया भी जा सकता है, जिससे आपके बाल नरम और मुलायम और लंबे होंगे। जिन अफराद में जल्दी बीमारी एक्जिमा की शिकायत हो उन्हें चाहिए कि कोई क्रीम लगाने के बजाय चावलों के पानी का इस्तेमाल करें। जिन अफराद को ये मसला दरपेश होता है उन्हें जिल्द पर खारिश, चुभन और जलन की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि जिस्म के जिस हिस्से पर ये तकलीफ हो वहाँ चावलों का पानी दिन में 2 से 3 बार लगाएं। ये पानी आपके चेहरे के पोर्स को बंद करता है और आपके चेहरे की चमक को बढ़ाता है। सबसे पहले आपको अपने चेहरे को धोकर साफ करना है, उसके बाद रुई को इस पानी में अच्छे तरीके से भिगोकर अपने चेहरे पर लगाना है। आप अगर इसे मास्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक सूती कपड़े का टुकड़ा लें, उसे चावल के पानी में भिगो लें, फिर उसे फेस पर रख लें और 1 मिनट बाद अपने चेहरे पर से हटा लें। इस तरह आप चावल के पानी को फेस मसाज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक चावल की करामात थी। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजों पर स्टडी करके, अमल करके अपने लाखों हजारों रुपए को बचा सकते हैं। अगर आपको ये टोटका पसंद आए, बल्कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है क्योंकि ये आजमूदा टोटका है, इसको आप सब लोग जरूर करें और अगर सब लोग इस्तेमाल करें और अगर आपको ये सूदमंद साबित हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा और फिजिकली भी लोगों को बताइएगा ताकि लोगों के हजारों लाखों रुपए भी बच सके और उनको सही तरीके से इलाज भी मुयस्सर हो।